नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। 4 अगस्त को छतरपुर जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब छतरपुर की सड़कों पर जिंदगी वापस लौटने लगी है। बाजार 10 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं, बाजार में चहलकदमी शुरू हो गई है, लेकिन वायरस का खौफ अब भी बरकरार है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाजार नहीं निकले और जब निकले तो मुंह पर मास्क नजर आया। जिन लोगों ने लापरवाही की उनके खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। छतरपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 369 तक पहुंच चुकी है और 8 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। जाहिर है छतरपुर में वायरस को लेकर खतरा अब भी बना हुआ है। छतरपुर में मंगलवार को सागर मेडिकल कॉलेज से आए कोरोना के 245 सैंपलों के नतीजों में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। छतरपुर शहर के पुलिस लाइन के समीप रहने वाला एक बजाज फाइनेंस कंपनी का 36 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह खजुराहो शिल्प ग्राम में पहले से पॉजिटिव मिले एक युवक के संपर्क में आए 28 और 34 वर्ष के 2 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए। इस तरह अब जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 369 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें से 300 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मंगलवार को एक बार फिर छतरपुर से 3 और नौगांव के कोविड सेंटर से 2 मरीजों की छुट्टी हुई। इसी तरह सोमवार की रात भी सागर मेडिकल कॉलेज से छतरपुर के 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई थी। अब जिले का रिकवरी रेट 81.30 हो चुका है। अच्छी बात यह है कि सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती छतरपुर के 3 कोरोना संक्रमितों को सोमवार की शाम डिस्चार्ज किया गया। इसमें छतरपुर के मनिहारी मोहल्ले में संक्रमित पाई गई एक 40 वर्षीय ऐसी महिला भी शामिल है जो किडनी इन्फेक्शन से जूझ रही थी और उसे नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ रहा था। इसके अलावा सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती लपकुश नगर के एक 48 वर्षीय व्यक्ति और सिंधी कॉलोनी के एक 69 वर्षीय बुजुर्ग को भी छुट्टी मिल गई। छतरपुर में कोरोना का फैक्ट फाइल इस तरह है। अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 369 है, ठीक 300 हो चुके हैं, एक्टिव मरीज 61 हैं, 8 मामले मौत के सामने आ चुके हैं और अब तक जिले में 11,169 लोगों की कोरोना जांचें हो चुकी हैं। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 10 दिन तक लंबे चले लॉकडाउन के बाद मंगलवार को बाजार एक बार फिर गुलजार हो गए। शहर में दुकानें खुलने से चहल पहल लौट आई, लेकिन घरों से बाहर निकलने वाले ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए। कोरोना का खौफ लोगों के चेहरे पर दिख रहा था, क्योंकि छतरपुर में अब तक कोरोना से 8 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इधर प्रशासन ने भी अनलॉक होते ही जगह जगह चेकिंग दस्ते लगाकर बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे। हर चौराहे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात नजर आए और लोगों से बगैर मास्क के नहीं घूमने की अपील करते हुए उन्हें सजा देते भी दिखे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। नमस्कार।